उसने मुझे इतने बुरे तरीके से शिकस्त दी है कि मुझे अपनी हालत पर तरस आने लगा है। हरीश, एक बात है यार शामिल, सब कुछ होते होते रह जाता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है जो इस तकलीफ को सह रहे हैं। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो इतना इंतजार नहीं करता। मेरा हाथ मत छुड़ाओ, मेरा हाथ थाम लो मेरा हाथ थाम लो नवीन। आरिस सूरन नहीं उठ गया है, फ्रेश हो जाए जरा, फिर मैं उसे नाश्ता दे देती हूँ। खाने पीने से तो जैसे मेरे बेटे को बैर ही हो गया है। क्या हाल कर दिया है मेरे हंसते खेलते बेटे का नवीन ने। फुपुआ फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ना फिर से वैसे ही हंसने बोलने लगेगा, पहले जैसा हो जाएगा। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी संगत में मेरा बेटा इस गम और दुख के भंवर से बाहर निकल आए। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब आप परेशान रहना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इस तरह दुखी देखकर आरिस को अपने गम का एहसास और ज्यादा होगा। काश आरिस भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। मैं समझी नहीं। दिल तो तुम्हारा भी टूटा था आरिस की मोहब्बत में, लेकिन तुमने अपने दुख को अंदर ही अंदर पाल कर समेट लिया। और ऐसा कोई बड़े दिल वाला और बहादुर ही कर सकता है। और ज़ैनब तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर बनना पड़ता है पप्पू, वरना जिंदगी लम्हा दर लम्हा आपको डराती रहती है। ऐसे क्या देख रही हैं पप्पू? देख रही हूँ कि इतनी नाजुक सी छोटी सी लड़की इतनी बुर्दवारी और समझदारी की बातें कर रही है। लगता है दिल के टूटने से तुम वक्त से पहले बड़ी हो गई हो। बड़ी तो हो गई हूं, अब मैं बच्ची तो नहीं रही। नवीन की फरेवी फितरत और आरिस का दुख देखती हूं तो मुझे लगता है कि कहीं तुम्हारे टूटे दिल की आवाज अर्श तक तो नहीं पहुंच गई। वो मेरा दिल टूटा जरूर था, लेकिन दिल टूटने की आवाज मेरे अर्श तक पहुंचने ही नहीं थी। क्योंकि मैं समझती हूं मोहब्बत तो नसीबों का खेल है। अगर इंसान चाहे ना तो अपना नसीब बदल सकता है, क्योंकि किस्मत मौका देती है। नहीं पप्पू,
ऐसा सोचिएगा भी मत। शामीर से अब मेरे सारे रिश्ते बन चुके हैं। आरिस मेरा दोस्त है और हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। मैं देखती हूँ। वाह भाई वाह, इस हसीन चेहरे को देखकर तो कोई भी काफिर हो जाए। आप कौन? मैं मंसूर, आरिस का दोस्त। आरिस से मिलना था। आरिस तो इस वक्त सो रहे हैं। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आरिस की तबीयत? वो बुखार हुआ हुआ है और फ्लू भी है। ठीक है, फिर आप उसे आराम करने, फिर कभी आऊंगा मिलने। अपने करतूत के बाद फोन भी ऑफ कर दिया है। सुबह से कितनी बार कॉल बुला चुका हूं। लगता है नवीन वकार के साथ शादी करके कैनेडा चली गई है। विल ग्रामी साहब, ऑफिस में काम है तो मैं क्या करूं? मैंने आपको बता दिया था पहले कि मेरे घर में कुछ मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मैं दफ्तर नहीं आ सकता। जब तक नहीं आऊंगा तब तक सब कुछ आप ही देख लें। नहीं कर सकता मैं। खुदा हाफिज। यार, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ जा रहे? राशिदा बहन के घर। वहां क्यों जा रहे हैं? एक लाचार बाप होने की माफी मांग रहे। आपने बदनामी के डर से ऑफिस जाना छोड़ दिया है। राजदा के घर जाकर अपने हाथों अपनी बदनामी का ढोल पीटने का क्या फायदा? इसलिए कि अगर उन्हें किसी और की जबानी पता चल गया तो मैं उन्हें मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा। जो हरकत हमारी औलाद ने की है उसके बाद हर चीज के हम ही जिम्मेदार हैं।
होगा मुझे। जैना जिस घर की बहू बनेगी वो घर बहुत किस्मत वाला होगा। जैना ने तो इस घर की भी किस्मत बदल दी, वरना नवीन ने तो इस घर को और इस घर की खुशियों को बदकिस्मती की नजर कर दिया। मैं हूं तुम्हारा दीवाना, पहली नजर में तुम पर फिदा होने वाला, तुम्हें सबसे छीन कर अपना बनाने वाला। तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हें हमेशा के लिए भुला दिया? क्यों उसके बारे में सोचकर अपने दिल को जला रहे हो? जिसने तुम्हें भुला दिया तुम भी उसे भूल जाओ। बख्तियार भाई, ना तो आपको हाथ जोड़ने की जरूरत है और ना शर्मिंदा होने की जरूरत है। एक बहन अपने भाई का सर झुका हुआ नहीं ऊंचा देखना चाहती। नवीन ने जो कुछ भी किया है उससे हमारा दिल दुखा है। आपकी तरफ से तो मेरा दिल बिल्कुल साफ है, और वैसे भी नाफरमान औलाद की हरकतों का जिम्मेदार मैं माँ बाप को नहीं ठहरा। ये आपकी आला जर्फी है राशिदा बहन। मगर यकीनन मेरी तरबियत में कोई ना कोई कमी रह गई। नवीन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक ही पल में मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरी तरबियत सबका भरम तोड़ दिया। सब चकना चूर कर दिया उसने। लेकिन बख्तियार भाई, इस बहन के दिल में आपका मान सम्मान हमेशा रहेगा। आपका बड़ापन है ये कि आपने इस तरह सोचा। लेकिन दुनिया इस तरह नहीं सोचती। उनका नुक्ता नजर कुछ मुख्तलिफ है। दुनिया की फिक्र में हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए और ना ही दुनिया की वजह से हमें अपनी आला जर्फी छोड़नी चाहिए। बहन, बहुत कुछ हो गया और वक्त ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया। मैं आपकी नजरों के सामने बहुत शर्मिंदा हूं, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। भाई बहनों से इजाजत नहीं ले, भाई तो बहनों को हुक्म देते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। बात ये थी बहन के
नवीन के किए की सजा अगर शामिर को ना मिले तो बहुत खुशी होगी मुझे। आप जानती हैं कि शामिर ज़हना बेटी को पसंद करता है, उसकी जिंदगी है वो। और अगर शामिर और ज़हना की शादी हो जाए तो उसे हम सफर मिल जाएगा और हमें बेटी। आपको तो पता है सारी जिंदगी वो बाप की शफकत और माँ के प्यार से महरूम रहा है। उसकी जिंदगी में जो खानदान है, जो रिश्तेदार हैं, वो हम ही हैं। अगर उसे ज़हना ना मिली तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। वाकई ज़हना जिस घर की बहू बनेगी वो घर बहुत किस्मत वाला होगा। ज़हना ने तो इस घर की भी किस्मत बदल दी, वरना नवीन ने तो इस घर को और इस घर की खुशियों को बदकिस्मती की नजर कर दिया। वरना आरेस को गम से निढाल देखकर मैं तो डर गई थी, लेकिन ज़हना की दिलजोई और उसकी कुर्बत ने उसे गम से मुकाबला करने का हौसला दिया। ज़हना ने मेरी ममता को करार देकर मुझे कर्ज़दार बना दिया। मैं इस कर्ज के बदले उसे इनाम देना चाहती हूँ। वाह भाई वाह, इस हसीन चेहरे को देखकर तो कोई भी काफिर हो जाए। आप कौन? मैं हूं तुम्हारा दीवाना, पहली नजर में तुम पर फिदा होने वाला, तुम्हें सबसे छीन कर अपना बनाने वाला। मैं हूं मंसूर। कैसा लगा तुम्हें पहली मुलाकात में? बहुत अच्छा ही लगा होगा। मैं बहुत बेकरार हूं तुम्हारे दीदार के लिए। आरेज, इन दो दिनों में ना मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। अब तुम आ गए हो तो शामिर और ज़हना के मामले में मेरी हेल्प करो। अब तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी, इसलिए कि अब हम तुम्हारे लिए बेमानी हो गए हैं।
मेरी मोहब्बत के साथ ज़ैना की दोस्ती भी। मैं जानती हूँ तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हें हमेशा के लिए भुला दिया। क्यों उसके बारे में सोचकर अपने दिल को जला रहे हो? जिसने तुम्हें भुला दिया तुम भी उसे भूल जाओ। हमें भुलाया उसे जाता है जो याद ना आता। काश के मेरे दिल पर मेरा अख्तियार होता। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो ना तो फिर वो अपने दिल को भी अपने अख्तियार में कर लेता। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम नवीन के बगैर भी जी सकते हो। और जिस नवीन के लिए तुम अपने आप को हलकान कर रहे हो ना अब तो उसके घर वाले भी उससे नफरत करते हैं। कल बख्तियार भाई आए थे। मैंने खुलकर तो नहीं लेकिन ढके छुपे अल्फाजों में कहा कि अब ज़ैना हमारे घर की बहू बनी है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? राशिदा बहन की बातों से लग रहा था कि वो ज़ैना को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। क्या अख्तियार ये कैसे हो सकता है? मेरी इन तन्हाइयों में अगर तुम ना होती तो अकेला इन तन्हाइयों में मैं कहीं खो सा जाता। अंकल राजदा आंटी के घर गए मेरी और ज़ैना की मंगनी की तारीख तय करने के लिए।